आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के 75 वर्ष, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। रक्षा मंत्री की दो टूक, आतंकवाद के खिलाफ उठाएंगे कड़े कदम। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी बिगुल, समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान शुरू। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाया सवाल। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पहली प्रत्याशी सूची जारी, 78 नाम घोषित। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले में इससे संबंधित शिलापट लगाया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी साल में दूसरी बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। लाल किले पर साल में दूसरी बार ध्वजारोहण के बाद आजाद हिंद सरकार के 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्षी दल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशक में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता और भारत को देखने के लिए वो विदेशी चश्मा नहीं होता तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बताने के लिए देश के अनेक सपूतों को, वो चाहे सरदार पटेल हों, बाबा साहेब अम्बेडकर हों, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का प्रयास किया गया। लाल किले पर ध्वजारोहण का यह अवसर आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। यह वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। प्रधानमंत्री ने बोस के विजन को याद करते हुए कहा कि नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। भारत अनेक कदम आगे बढ़ चुका है लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज भारत के 130 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना सुभाष बाबू ने की थी। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रांतीय आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उस समय 11 देशों की सरकारों ने आजाद हिंद सरकार की मान्यता दी थी। उस सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आतंकी संगठनों की गतिविधियों को बाधित करने और रोकने के लिए भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी कड़े कदम उठाए जाते रहेंगे। सिंगापुर में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की सीमा पार के आतंकवाद का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे करीबी पड़ोसी देश में आतंकी ढांचे को खड़ा कर आतंकवाद को समर्थन दिया जा रहा है। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता पर आतंकवाद के मंडराते खतरे को इंगित किया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सरकारी नीतियों में आतंकवाद को हथियार बनाने की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और गैर सरकारी मशीनरियों के हाथों हिंसा का अपरोक्ष युद्ध छेड़ने से हालात और खराब हो गए हैं। आसियान देशों की बैठक में सीतारमण ने कहा कि भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय संतुलन के लिए हमारे समुद्रीय क्षेत्र खुले और सुरक्षित होंगे ताकि एकीकृत व्यापार को स्वीकार किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत भोपाल में बीजेपी कार्यालय से की। शिवराज सिंह चौहान ने मेरा सुझाव मेरा चुनाव की तर्ज पर अभियान में जनता की भागीदारी की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संबित पात्रा, प्रभात झा, विनय सहस्त्रबुद्धे समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए चुनावी रथों को भी शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई। चुनावी रथ जनता के सुझाव के लिए सभी जिलों में मौजूद रहेंगे। जनता अपने सुझाव एसएमएस, व्हाट्सएप और पर्चे के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा सकेगी। शिवराज ने यह भी कहा कि जो कार्य उन्होंने अभी तक किए हैं वो जनता के सुझाव से ही किए हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या तीर्थ दर्शन योजना, सभी में जनता के सुझाव को लिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की गिनती से उबारा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था, आज मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की गिनती में शुमार हो गया है। शिवराज सिंह का ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था में भी आमूलचूल सुधार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 में सरकार में आने का अवसर दिया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की हालत 10 से बदतर थी। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुनियादी रूप से सक्षम बनाया है। अब मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की तैयारी है। इससे पहले भी आप सबको ध्यान होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए भिन्न भिन्न वर्गों की पंचायतों का आयोजन किया था। उन पंचायतों में जो सुझाव आए उनके लिए वर्गवार योजनाएं बनाई, उनका क्रियान्वयन किया और उस क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% से ऊपर है और मध्य प्रदेश बुनियादी रूप से पूरी तरह सक्षम हो चुका है। अब 2018 का चुनाव है और इसलिए मध्य प्रदेश को हम समृद्धता की ओर ले जाना चाहते हैं। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना है कि मेरे प्रदेश का हर व्यक्ति समृद्ध हो और जब हर व्यक्ति समृद्ध होगा तो मध्य प्रदेश स्वतः समृद्ध हो जाएगा। वो एक उन्होंने सपना देखा है, उसको आज साकार करने जा रहे हैं। उन्होंने एक मिस कॉल भी हमारे पार्टी ने दिया है, 7304-7304। इस पर आप मिस कॉल दीजिए और अपने सुझाव दीजिए। पूरे वर्ष भर 14 साल में लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने जनता के सुझाव पर अमल किया है, उसको अमलीजामा पहनाया है और इसी तारतम्य में कि मध्य प्रदेश समृद्ध हो, उसमें आम जन की सहभागिता हो, सब लोगों का योगदान हो,
तो एक रथ निकले हैं, जिले जिले जाएंगे, इस रथ के माध्यम से लोग अपने सुझाव देंगे, भविष्य में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है इन सुझाव पर अमल किया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश जब 2003 में हमको मिला था तब बीमारू मध्य प्रदेश के रूप में मिला था, उस भारतीय जनता पार्टी ने बीमारू मध्य प्रदेश से थोड़े से मध्य प्रदेश को बीमारी के धब्बे से बाहर किया और मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। 2008 से 2013 के बीच में मध्य प्रदेश की जो जनभावनाएं थी उनका संकलन करके उनके अनुसार हमने डेवलपमेंट किया, हमने सिंचाई के आधार को बढ़ाया, हमने सड़कों को बढ़ाया, हमने किसान को तरजीह दी, हमने बंद उद्योगों को चालू की, हमने अंधेरे मध्य प्रदेश को रोशन किया। अब 2018 से जो है 2023 का जो हमारा मध्य प्रदेश है वो समृद्ध मध्य प्रदेश होगा, जिसमें हर नागरिक के पास वो मूलभूत सुविधाएं होंगी जिसके लिए वो जाना जाता है, जिसके लिए उसके संविधान में उसको अधिकार है। और इसलिए जो समृद्ध मध्य प्रदेश होगा अर्थात हिंदुस्तान का जब दिल मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान विकास की बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ विधायकों के कार्यों से नाखुश बीजेपी कार्यकर्ता इस बार पूर्व विधायक को टिकट न देने का सुझाव लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बैरसिया से आए बीजेपी के कार्यकर्ता विष्णु खत्री को इस बार टिकट न देने की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि मौजूदा विधायक ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है और न ही अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने आते हैं। बैरसिया में जनता समस्या से जूझ रही है और विधायक जी नदारद हैं। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यम, मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय भोपाल से आज चुनावी बुगुल फूंक दिया गया है, चुनावी रथ निकाले गए हैं, संबित पात्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, क्या है पूरी खबर? जी मैम, निश्चित तौर पर ये भाजपा का चुनावी बिगुल ही माना जा रहा है। समृद्ध मध्य प्रदेश की अभियान की तर्ज पर इन्होंने मध्य बीजेपी कार्यालय भोपाल से आज चुनावी बिगुल फूका है। समृद्ध मध्य प्रदेश अभियान का एक नारा दिया है, ना मेरा सुझाव मेरा चुनाव, सुझाव को आमंत्रण दिया गया है। जो भी कार्यकर्ता जो भी जनता पे सुझाव देना चाहती है चुनाव के तहत, ये जो भी उनके सुझाव रहेंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे, सुझावों के आधार पर ही कार्य किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का ये भी कहना था कि जो पिछले उन्होंने कार्य किए हैं जिसने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से एक प्रगतिशील राज्य की ओर अग्रसर किया है, उसमें भी उन्होंने जनता के ही सुझाव लिए, चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो तीर्थ मुख्यमंत्री दर्शन योजना हो, सभी जनता की सुझाव थी। बिल्कुल सत्यम, कई तरीके के जिले में उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली है, सुझाव की रथ यात्रा सत्यम रोकना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि कई तरीके के नारे वहां पर दिए गए, समृद्ध मध्य प्रदेश की बात कही गई, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बीजेपी के सिटिंग एमएलए के टिकट काटने की बात भी कर रहे थे। जी, एक मामला सामने आया था एशिया में, जो विष्णु खत्री विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं, अभी मौजूदा विधायक थे वो, उनके टिकट को लेकर के वहाँ की जनता नाराज है। वो जनता वहाँ की चाहती है बैरसिया कि उनको टिकट ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ शिवराज सिंह चौहान विकास की बात कर रहे हैं, समृद्धि होने की बात कर रहे हैं, वहीं बैरसिया में लोगों का आरोप है कि विष्णु खत्री ने कोई भी कार्य नहीं किया है, जबकि वो विष्णु खत्री जनता से दूर रहे हैं, उनका कार्य दिखा नहीं है जनता के बीच में, वो रहते नहीं। उनकी मांग थी कि कोई दूसरे विधायक को, किसी दूसरे आदमी को टिकट दिया जाए ताकि वो जो विधायक बने वो उनके बीच में रहे। जी बिल्कुल सत्यम, शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी घोषणा की है, चुनाव की घोषणा ही मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है समृद्ध मध्य प्रदेश, भविष्य का संदेश समृद्ध मध्य प्रदेश। आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, कुछ कार्यकर्ता यहाँ हालांकि नाराज भी हैं, जो चाहते हैं कि कहीं के विधायक चेंज हो, जैसे बैरसिया के विधायक खत्री जी हैं उनको चेंज करने के मूड में भी आए, उनको टिकट ना मिले, वो दूसरे के समर्थन में है। आप देख सकते हैं ये भीड़ है, हम आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या चाह रहे हैं वो, अब क्या चाह रहे हैं।
विष्णु कादरी जी 5 साल से हैं, आज तक किसी पब्लिक से संपर्क भी नहीं करते हैं, न किसी से मिलते हैं। हमको स्थाई चाहिए, जो पहले थे ब्रह्मकर रत्नाकर जी, वही आज हमको चाहिए पब्लिक के लिए विधायक। वर्तमान मांगे जो ऐसा चाहिए, जो हमारे साथ खड़े हो हमें लेके चले, हमें मतलब नहीं है। बच्चों को युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का साफ कहना है, जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो पहले विधायक थे उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, तो वो विष्णु कत्री जी के खिलाफ उनको टिकट ना मिले इसके खिलाफ में आए। और बताइए क्यों क्यों नाराज हैं आप लोग? नहीं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो स्थानीय नेता चाहिए, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। अपने ये चाहिए जो हमारे लिए खड़ा रहे, हमारे विकास के लिए खड़ा रहे। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो बेरसिया को भूल जाए। पिछले 4 सालों से हमने विधायक साहब की शक्ल नहीं देखी है। अभी के टाइम जब चुनाव का टाइम करीब आया है तो शक्ल दिखाई दे रही है। पिछले 4 सालों से हमारे मोहल्ले, हमारे वार्ड, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। हमारी मांग स्थानीय है, स्थानीय ही रहेगी। हमें विधायक चाहिए, बैरसिया से लोग मांग कर रहे हैं कि दूसरे विधायक को इस बार दूसरे लोगों को चांस दिया जाए, दूसरे को टिकट दिया जाए, विष्णु खत्री को टिकट न दिया जाए। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट पर शिवराज सिंह सरकार को घेरा है। 40 दिन 40 सवाल की श्रृंखला में पहले दिन कमलनाथ ने मोदी सरकार द्वारा संसद में दिए गए आंकड़ों से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की बदहाली को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार एक आदमी के इलाज पर केवल 716 रुपए खर्च करती है, जो जीडीपी का मात्र 1.04% है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संसद में 31 जुलाई 2018 को एक प्रश्न के जवाब में दी गई प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ट्वीट पर दी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट पर मोदी सरकार की जुबानी शिवराज सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए 20 अक्टूबर से 40 दिन में 40 सवाल करने का ऐलान किया था। पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था के 12 बिंदुओं को उजागर किया गया। कमलनाथ ने ट्वीट में कहा कि शिवराज सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती तबीयत पर मोदी सरकार ने सवाल खड़ा किया है। संसद में दिए गए लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी व अन्य खामियों को बताया है। उन्होंने ट्वीट में शिवराज सरकार पर तंज भी कसा है कि हार की कगार पर है मामा सरकार। भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 78 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में 90 में से 78 सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित करते हुए बताया कि पहले चरण के चुनाव की 18 सीटों पर प्रत्याशी तय किए गए हैं। उनमें 14 महिलाएं हैं, 25 उम्मीदवार 40 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। इसके साथ ही 53 किसानों पर भी भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनंदगांव से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के बागी रामदयाल उइके और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की पहली सूची में मंत्री रमशीला साहू को दुर्ग ग्रामीण से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अनुसूचित जनजाति की 29 और अनुसूचित जाति की 10 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उसमें जो फर्स्ट फेज है, जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 23 है, तो उसके 18 सीट्स हैं, उसमें से हम 17 सीट्स को आज डिक्लेयर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ साथ जो हमारी टीम है वह चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के जो अभी तक 77 सीट्स हमने डिक्लेयर की हैं, उसमें 14 सीटें महिलाओं को हैं, 14 सीट्स, 25 सीट्स हैं जो 40 वर्ष से नीचे के प्रत्याशी हैं, यूथ हैं, और अनुसूचित जनजाति 29 सीट्स, अनुसूचित जाति 10 सीट्स, किसान महिला प्रत्याशी 14 हैं, युवा 25 हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, अनुसूचित जनजाति 29 सीट्स, अनुसूचित जाति 10 सीट्स,
किसान बैकग्राउंड के जो प्रत्याशी हैं वह 53 हैं जो किसान बैकग्राउंड के हैं। प्रोफेशनल्स में डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर्स 3 हैं और एक पूर्व आईएएस अधिकारी वह भी चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में हारे 12 नेताओं को इस बार फिर टिकट दिया है। इसमें रजनी त्रिपाठी, सिद्धनाथ पैकरा, विजयनाथ सिंह, अनुराग सिंहदेव, ननकीराम कंवर, शुभाव कश्यप, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, नंदकुमार साहू, चंद्रशेखर साहू, कोमल जंघेल, लता उसेंडी, भीमा मंडावी, धनीराम बारसे। लेलुंगा से विधायक सुनीति राठिया का टिकट काटकर पति सत्यानंद राठिया और चंद्रपुर से विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का टिकट काटकर उनकी पत्नी संयोगिता सिंह जुदेव को टिकट दिया गया है। नए चेहरों में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, प्रोफेसर गोपाल राम भगत, लीवनव राठिया, विकास महतो, रंजना साहू, चंद्रिका चंद्राकर, हीरेंद्र साहू, कमल माला भू आर्या, हीरा मरकाम, हरिशंकर नेता, मोनिका साहू, रजनीश सिंह शामिल हैं। हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी ने बताया कि राजनंदगांव के टिकट वितरण के बाद आज शहर के मानव मंदिर चौक में राजनंदगांव लोकसभा के सांसद अभिषेक सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ फटाके फोड़े। इस अवसर पर सांसद ने जिले के सभी 6 सीटों पर विजय हासिल करने की बात कही। अभिषेक सिंह ने बताया कि 23 तारीख को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। 6 सीटों में राजनांदगांव विधानसभा के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, डोंगरगांव से मधुसूदन यादव, खुज्जी से हीरेन्द्र साहू, मोहला मानपुरा से कंचन माला भुआर्या, डोंगरगढ़ से सरोजनी बंजारे, खैरागढ़ से कोमल जंघेल चुनाव मैदान में हैं। नामांकन का कार्यक्रम उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सभा है और उस सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उपस्थित रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता हमारे जिले में आ रहे हैं, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को और इस क्षेत्र की जनता को संदेश देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख का कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल होगा और 23 तारीख से ही जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटों में जीत के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ता अपनी तैयारी से जुट गए। छत्तीसगढ़ की चुनाव में प्रत्याशियों की सूची अंकित हो गई है, इस पर हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी प्रकाश डालेंगे। संजीव जी, प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित हो चुकी है, कौन प्रत्याशी हैं, कौन बागी हैं और कौन कितने पक्ष में है? बता दूं आपको कि अभी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी सीट पर बगावत की स्थिति निर्मित नहीं हुई है जी। और राजनांदगांव जिले में 6 सीटें आती हैं जिसको कि लगभग अभिषेक सिंह जो सांसद है वहाँ के वही इसको लीड करेंगे और आज काफी उत्साह के साथ इन्होंने फटाके फोड़े हैं और ये दावा किया है कि वो 6 सीट पूरी वहाँ जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ आएंगे और नामांकन के समय वो उपस्थित रहेंगे, तो ये एक उत्साहजनक स्थिति रहेगी वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साह इस बात को लेकर। जी जी संजीव, बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नामांकन फॉर्म भरने के समय पे साथ रहेंगे, ये इनको कितना लाभ देगा? देखिए, छत्तीसगढ़ एक धार्मिक के तौर पे काफी धार्मिक प्रदेश है ये और धर्म से काफी अच्छा वास्ता रखते हैं यहाँ के लोग और काफी सहिष्णु भी हैं, तो योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं लोकप्रियता है छत्तीसगढ़ में और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बन सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया संजीव जी पूरी जानकारी देने के लिए। कई जगह से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। छतरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की मीटिंग के दौरान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया तो मुंगावली में नेताओं के नाम लिखी शिला पट्टियां खुली पड़ी हैं। छतरपुर में बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की मीटिंग रखी गई थी। इस बैठक में जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को बुलाया गया था। इस मीटिंग में जो पैम्पलेट बांटे गए उनमें शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो थे, जिसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना रहा। इस प्रचार सामग्री से एक पार्टी की जानकारी प्रचारित की जा रही है।
जब इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की गई तो वह टालमटोल करने लगी। वहीं महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कहना है यह प्रचार की सामग्री पहले की है जिसे बांटा गया है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। प्रचार प्रसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में था कि अपन को बेटियों को कैसे बचाना है। चुनाव विभाग ने मतदाता जागरूकता स्वीप पे जारी किया है, मेरे पास आधार पे 23 तारीख को हमारी उसी के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया ताकि सबको पहले से बता दिया जाए कि निर्वाचन की क्या प्रक्रिया रहेगी और हमें क्या। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहाँ पर है उनको मालूम है कि हमारा जाना तय है और वो साम दाम दंड भी तरीके से इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। हम आदर्श आचार संहिता का जो इन्होंने उल्लंघन किया है हम चुनाव आयुक्त से मांग करेंगे कि उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। वहीं ऐसी ही खबर अशोकनगर के मुंगावली से आ रही है जहां अधिकारियों की लापरवाही से सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मुंगावली में शहीदों के पैडल स्टैंड पर तो अधिकारियों की नजर पहुंच गई पर उसे ढक भी दिया, लेकिन निर्माण कार्य की शिलापट्टियों पर अंकित नेताओं के नाम अधिकारियों को नजर नहीं आ रहे। मुंगावली नगर परिषद के सीएमओ और प्रशासनिक अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से बैनर पोस्टर एवं पट्टियों के झंडे तो निकलवा लिए, लेकिन नगर के बीचों बीच स्थित अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पैडल स्टैंड को भी कागज से बंद कर दिया गया, लेकिन जगह जगह लगाई गई शिला पट्टिकाएं आज भी नेताओं के नाम को रोशन करती नजर आ रही हैं। जब इस मामले में एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी आर ए प्रजापति से बात की गई तो उनका कहना है अधिकांश जगह पर लगी शिला पट्टियों को ढक दिया गया है। कागज वगैरह लगवा दिए उनको छुपा दिए, बात कोई किसी मोहल्ले के लिए मोहल्ले में रह गई तो जैसी हमारी नॉलेज में आएगी तो लगवा देंगे। वैसे हम सीएमओ से बोल रहे हैं कि कोई छूटे नहीं, कोई ऐसी पट्टिका रह जाए जिस पर किसी का नाम प्रदर्शित हो रहा है। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्देश दिए हुए, हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। आपकी भी नॉलेज में कहीं आए एक बात आप हमें बता सकते हैं, टेलीफोन से बता सकते हैं, तत्काल उसको। क्या है मुंगावली से पूरी खबर इस पर हमारे संवाददाता विक्रम सिंह से हम बात करेंगे। विक्रम, जानना चाहूंगी जिस पैडल स्टैंड पे फौजियों के व्याख्यान को लिखा गया था वो तो ढक दिया गया आचार संहिता के नाम से, लेकिन नेताओं के नामों को ढकना भूल गए अधिकारी? जी जी जी, देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं जी, ये मुंगावली के वार्ड नंबर 11 12 13 में जो भी खुलेआम उनकी जो स्लिप पट्टी चिपकी हुई है उनको तो अधिकारियों ने नहीं ढककर, जो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं उनकी पट्टी पर ध्यान लगाकर उनका पूरा पैडल पर उनका चिपका दिया गया जी। और बाकी जो भी ग्रामीणों में भी ऐसा ही चल रहा है, आचार संहिता का खुला उल्लंघन चल रहा है जी। जी, अधिकारियों को फौजियों की कथा नजर आई और ढक दिया और नेताओं के नाम शिला पट्टियों पे नजर नहीं आए जिन उनका व्याख्यान मुझे लगता है अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। जी जी, इसमें ऐसा ही लग रहा है कि जबकि कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी जो है कहीं ना कहीं वो चल रहा है, जबकि ग्रामीणों में भी कई करोड़ों की इमारतों का वो हुआ है तो उनको भी आचार संहिता का उल्लंघन खुला दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया विक्रम जानकारी देने के लिए। छतरपुर में भाई ने भाई को चाकू मार दिया। एक भाई की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छतरपुर से हमारे संवाददाता दीपेंद्र गुप्ता ने बताया कि सिविल लाइंस थाना के हाउसिंग बोर्ड निजामी कॉलोनी में घरेलू विवाद के चलते दो भाइयों में झगड़ा हो गया और एक भाई ने दूसरे को चाकू मार दिया। हाजी कादिर राइन के बड़े बेटे सिकंदर ने अपने छोटे भाई शाकिर राइन पर चाकू से हमला कर दिया। शाकिर के पेट हाथ व पैर में चाकुओं के निशान है। हालत गंभीर होने पर शाकिर को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। हाजी कादिर तो चार लड़के एक मकान में रहते हैं, सिकंदर लड़के का कहना ये है कि इस मकान में ना रहो, हाजी कादिर से मैं अकेला रहूँगा इसमें, तो उसकी छोटे भाई सागर को उसने चाकू से मारपीट कर दी है, काफ़ी इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज होकर के बाहर रेफर किया। उसके बड़े भाई सिकंदर ने उसके साथ मारपीट। कांग्रेस से बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके छविंद्र कर्मा को समाजवादी पार्टी ने दंतेवाड़ा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले छविंद्र कर्मा ने कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने छविंद्र की जगह उनकी मां देवती कर्मा को रिपीट कर दिया, जिसके बाद नाराज होकर छविंद्र कर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।